हेलो एवरीवन, वेरी वाम वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन एन अकेडमी यूपीएससी हिंदी चैनल। मेरा नाम अखिलेश है और इस चैनल पे हम लोग साइंस टेक एनवायरनमेंट पढ़ने के लिए उपस्थित होते हैं। 2 बजे का समय है और ये समय एनवायरनमेंट पढ़ने का। बच्चों, मेरी आवाज़, मेरी वीडियो आप तक पहुँच रही हो तो एक बार मुझे सूचित करें ताकि हम लोग आगे पढ़ाई शुरू कर सकें। सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू आस्क यू वेदर माई वीडियोज़ and volume both are proper set, shall we proceed? फटाफट जुड़िए, अपने दोस्तों को जोड़िए। और अब जो ये टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें से UPSC में 2-4 तारीख को जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें ज़रूर क्वेश्चन मिलेंगे। पिछले कई सालों से यहाँ से प्रश्न आए हुए हैं बच्चों। तो दीज आर द टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट। बायोडाइवर्सिटी, its conservation and what are the conservation strategies, few current affair related with this biodiversity। तो ये आपको ज़रूर ज़रूर 4 तारीख को जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें आपको मदद करेगा। तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में बायोडाइवर्सिटी आज का टॉपिक है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। दुनिया बायोडाइवर्सिटी के लिए परेशान है, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। UPSC लक्ष्य 2020 में हम लोग आपके बीच में जुड़े हुए हैं। मैं, आप जानते हैं, इन्वायरमेंट इकोलॉजी और साइंस टेक लेकर के आपके बीच में आता हूं। पूरी टीम है और ये पूरी टीम प्लस पे पढ़ाती है, मैं भी प्लस पे पढ़ाता हूं और वहां पे लाइव क्लास होती है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, ये सब कुछ लेकर के हम लोग प्लस पे आते हैं। लेकिन आप सभी प्लस पे नहीं आते, प्लस पे आना चाहिए आपको। मेरा नाम अखिलेश है, 6 साल का एक्सपीरियंस है साइंस टेक ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट पढ़ने पढ़ाने सीखने सिखाने का। आंसर राइटिंग एक्सपर्ट हूँ। अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे मैं लाइव पढ़ाता हूँ, लाइव क्लास चलती है, टेस्ट सीरीज और क्विजर चलते हैं डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ। इससे आप एक स्ट्रक्चर्ड तैयारी कर सकते हैं और UPSC की प्रिपरेशन के लिए सबसे ज़रूरी होता है डिसिप्लिन, जो तभी आप उसको अवेल कर पाते हैं जब आप अपने आप को कहीं जोड़ के रखें। अन्यथा यूट्यूब पे आप कई लोगों की क्लास देखते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं और अंत में आपके नोट्स भी पूरे नहीं हो पाते और समय भी ख़त्म होता है। तो हमेशा हमेशा सर्टिफाइड लोगों के साथ आपको प्रिपरेशन करने का फ़ायदा मिलता है, क्योंकि आज की डेट में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो जाने से सभी लोग टीचर हो गए हैं और सभी लोग कुछ ना कुछ पढ़ा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो बहुत ख़राब पढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं उनकी ऑथेंटिसिटी पे सवाल उठता है बच्चों। वो ऑथेंटिसिटी जो कि आपके पास सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए शायद ना पहुंच पाए, इसलिए मेरा ये मानना है कि आप हमेशा जाने पहचाने या तो ब्रांड या तो अपने टीचर से ही पढ़ें, क्योंकि सभी लोग सब कुछ नहीं कर सकते। ये स्थितियाँ आजकल देखी जा रही हैं यूट्यूब पर। हर कोई, किसी ने एम लक्ष्मीकांत पढ़ लिया तो उसको फिर पॉलिटी आने लग रही है, वो सोच रहा है कि वो पॉलिटी पढ़ा लेगा। कोई NCERT के 6 चैप्टर पढ़ लेता है तो उसको लगता है यू कैन टीच इन्वायरमेंट, बट नहीं, ऐसा नहीं है। आपको किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए उसके लर्निंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, इसलिए वो टीचर जो या तो आपके सर्टिफाइड ब्रांड हों, जैसे कि अनअकैडमी नो डाउट इंडिया के टॉप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आज की डेट में, इसका कोई तोड़ नहीं, आप सबको पता है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो भी लोग होंगे वो अपने अपने क्षेत्र के महारथी होंगे, इसलिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, उनमें से बहुत लोग बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत लोग अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं। अच्छा ना पढ़ाने का सेंस ये है कि बहुत लोग ऐसा कुछ पढ़ा दे रहे हैं जो कि इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन है या मिसकंसेप्शन है, जिसके कारण आपका समय ज़ाया होने की संभावना है। तो हमेशा जुड़िए ऐसे लोगों से जो कि आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे सकें बच्चों, चाहे वो जो भी हो। फिलहाल अनअकैडमी के बारे में, अगर सर्टिफिकेशन की ज़रूरत हो तो आप समझ सकते हैं कि अनअकैडमी इस समय क्या कर रहा है। और यहाँ पे लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है और फीस बड़ी कम है। फीस की स्थिति ये है कि आपको 12 महीने की जो फीस होती है वो होती है 44,000 रुपये और 24 महीने की फीस होती है 64,000 रुपये पर मंथ। अगर आप ये खर्च देखें तो 3,667 रुपये एक साल
हर हर महीने की फ़ीस होगी और 2667 रुपये 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तब आपको हर महीने पड़ेगा, जो कि नॉमिनल है। इसमें भी अगर आप प्रोमो कोड यूज़ करते हैं, हर टीचर का एक प्रोमो कोड होता है, मेरा भी है बच्चों, ACS Live प्रोमो कोड यूज़ करते हैं तो 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा और इफ़ेक्टिव फ़ीस 10% और कम हो जाएगी, 39,600 रुपये में 1 साल का और 57,600 रुपये में 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा, 24 मंथ। प्यारे बच्चों, ये 39,600 रुपये और 57,600 रुपये में जो सब्सक्रिप्शन आपको आज की डेट में मिल रहा है, आप इसी सब्सक्रिप्शन या ऐसे ही टीचर से पढ़ने के लिए दिल्ली में आके 1.5 लाख रुपीज़ फॉर GS, केवल GS के लिए खर्च करते हैं, उसके बाद कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये अपने ऑप्शनल के लिए खर्च करते हैं, और इतना ही नहीं, यहाँ जब आते हैं तो आप कम से कम 10 हज़ार रुपये का रूम लेते हैं और 1 से 1.5 साल यहाँ रहते हैं, उसका कॉस्ट जोड़ लीजिए और खाने पीने का कॉस्ट जोड़ लीजिए, इनॉर्मसली हाई। उसके कंपेयर में अगर इन दोनों को देखेंगे तो शायद आपके रूम का रेंट का ये आधा, जस्ट इमेजिन, हाफ ऑफ द रूम रेंट जो आप दिल्ली में या कहीं बड़े शहर में जाके पे करके आप रहते हैं, आपका जो खर्च आता है उसका हाफ ऑफ द रूम रेंट, और आप अपने घर बैठ करके होम एटमॉस्फेयर में प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये अनएकेडमी एक अनप्रेसिडेंटेड ब्यूटीफुल और ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि पूरी तरह से इक्विप्ड है, टॉप एजुकेटर हैं इंडिया के, कई सारे एजुकेटर पढ़ा रहे हैं, एक ही ज्योग्राफी के लिए आपको कई सारे एजुकेटर्स की वीडियोस हैं, आप चुनिए जिससे आप की ट्यूनिंग अच्छी लगे, जो आपको अच्छा लगे कि हाँ इनकी बातें आपको ज़्यादा समझ में आ रही हैं, लैंग्वेज बैरियर आपका ना हो, कोई इंग्लिश में पढ़ा रहा है, कोई हिंदी, कोई बायलिंगुअल, कोई रीजनल लैंग्वेज में पढ़ा रहा है, सो वॉट एवर योर लैंग्वेज, आपको यहाँ वेरियस एजुकेटर मिलेंगे जो आपको टीच कर रहे हैं, एक ही सब्जेक्ट के कई सारे, आप उन्हें एक बार देखिए, जिनसे आपकी कंपिटेंसी बनती है, आप उनके वीडियोस देखना शुरू करिए और नोट्स बनाना शुरू करिए। आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं PDF के रूप में, आपको हर तीसरे दिन जो है डाउट क्लियरिंग सेशन लिया जाता है, हर तीसरी क्लास या चौथी क्लास डाउट क्लियरिंग सेशन होती है, हर 5वीं क्लास के बाद आपको MCQs के रूप में टेस्ट बैटरीज दी जाती हैं ताकि आपने जो पढ़ा वो आपको समझ में आया कि नहीं, एक असेसमेंट के लिए। आप अपने टीचर्स के साथ एक क्लासरूम एनवायरनमेंट, वो वाला क्लासरूम नहीं कि जिसमें 600 बच्चे हों, उस क्लासरूम की बात करते हैं जब आप बचपन में पढ़ा करते थे और आपके टीचर आपसे इंटरेक्ट करते थे, टीचर बाय नेम आपको जानते थे, आप टीचर को अपनी बात कह लेते थे, मैं उस क्लासरूम की बात कर रहा हूँ, आप अपनी बातें कह सकते हैं, अपनी समस्याएं डिस्कस कर सकते हैं, ये सारा कुछ आपको अनएकेडमी दे रहा है बच्चों, और वो भी घर बैठे, वो भी इतने कम दामों में, तो आपको ज़रूर आना चाहिए प्लस प्लेटफॉर्म पे। इसके अलावा बच्चों एक और अपग्रेडेड वर्जन है प्लस का, वो है आइकॉनिक, और आइकॉनिक में वो सब कुछ लेकर के अनएकेडमी आपके बीच में आया है जिसकी एक UPSC एस्पिरेंट, रियल UPSC एस्पिरेंट को तलाश होती है, वो होती है बच्चों कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ या कोई आंसर लिख रहा हूँ वो कितना सही है, ये क्यूरियोसिटी आपके मन में होती है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो अभी अभी नई नई तैयारी कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ वो आर सीरियस कंटेंडर, जो सीरियसली UPSC को परस्यू कर रहे हैं, जिनकी तैयारी हो गई है एक अच्छी खासी लेवल की, जो मेंस की आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, क्योंकि उसके बगैर तो आप सेलेक्ट नहीं होंगे, ये वनडे का एग्ज़ाम नहीं है, इसमें मेंस क्वालिफाई करना होता है और मेंस रिटेन होता है, ठीक है बच्चे। तो मेंस के आंसर राइटिंग को करना इज़ एन आर्ट, और इसको आपको सीखना पड़ेगा, एक दिन में ये कोई सिखा नहीं सकता, ना एक दिन में आप सीख सकते हैं। इसके लिए आपको एक ऐसा मेंटोर चाहिए जो आपको हर जगह आपकी कमियां बताए, आपकी ताकतें बताए, ताकि आप अपने को समय रहते सुधार लो। आइकॉनिक कुछ ऐसा ही है, आपको पर्सनल कोचिंग मिलेगी, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने को मिलेगा, स्टडी प्लानर मिलेगा। स्टडी प्लानर इज़ समथिंग लाइक दैट कि 24 घंटे आपके पास भी हैं, 24 घंटे टॉपर्स के पास भी होते हैं, बट वो टॉप कर जाते हैं और बाकी लोग रुक जाते हैं, रह जाते हैं, ऐसा क्या करते हैं वो उस 24 घंटे में, और ऐसा करते हैं तो कैसे करते हैं, वो अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं और किस तरह से वो पढ़ते हैं कि उनका टेम्पो लूज़ नहीं होता, उनका डेडिकेशन लूज़ नहीं होता, उनका कंसंट्रेशन लूज़ नहीं होता। दीज थिंग्स कैन बी समराइज्ड इन योर स्टडी प्लानर, हाउ यू विल गो थ्रू योर स्टडीज़, हाउ यू विल मेक शॉर्ट टर्म गोल्स,
और उन गोल्स को अचीव करना, ये सारी चीज़ें आपको स्टडी प्लानर में स्ट्रेटजिकली बताई जाती हैं ताकि आप बेहतर कर सको, और आपके हिसाब से होती हैं। सबसे बड़ी चीज़ ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए मैं, अगर मुझे साइंस पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे साइंस टेक और डिज़ास्टर मैनेजमेंट पढ़ना अच्छा लगता है तो मैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट पढ़ूंगा, आपको हिस्ट्री अच्छी लगती है तो आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ना तो हिस्ट्री मुझे भी है और डिज़ास्टर मैनेजमेंट आपको भी है। दैट मीन्स कि प्रायोरिटी डिसाइड करनी होगी, जो मुझे अच्छा लगे उसको पहले पढ़ना ताकि मेरा कंसंट्रेशन, मेरा फोकस बने, फिर उसके बाद फॉलोड बाई जो लेस, जिसमें दिलचस्पी कम है उसको पढ़ना ताकि वो भी ना छूटे। तो इस तरह से कुछ परम्यूटेशन कम्बिनेशन करके एक मध्य मार्ग निकाला जाता है जिसमें बेहतर तैयारी की जा सके। साथ ही साथ बच्चों, पर्सनलाइज्ड फीडबैक, पर्सनलाइज्ड फीडबैक इज समथिंग लाइक दैट कि आप को ये पता चलता रहे कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं कि नहीं। आप अपने आप को आँख पे बंधी पट्टी जैसा मान सकते हैं कि आपकी आँख पे एक पट्टी बंधी है और आपको एक रास्ते पे चलना है, उस रास्ते के दोनों तरफ खाई हैं। यूपीएससी का मार्ग कुछ ऐसा ही है, आपको सिलेबस की पट्टी बांध दी जाती है, आप सिलेबस देखते हुए चल रहे होते हैं, उसी रास्ते पे चल रहे होते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि आप कब दाहिने बाएं गए और गिर गए। कहने का मतलब है कि एग्जैक्टली उसी पाथ पे आप चलें, उसके लिए ज़रूरी होता है आपको हमेशा कोई ना कोई फीडबैक देने वाला हो कि भाई यहाँ कमी कर रहे हो, उसको थोड़ा ठीक कर लो, आपको यहाँ पे और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये सब कुछ तब पता चलेगा जब अपने आप को आप एक्सप्रेस करोगे। एक्सप्रेशन का तरीका वही है लेखन शैली। लेखन शैली के लिए आप कुछ लिखते हो तो वो कैसा लिखे हो ये आप स्वयं तो बता नहीं सकते, कौन डिसाइड करेगा? जो आपसे थोड़ा सीनियर हो, अनुभवी हो, वो डिसाइड करेंगे। यूपीएससी सीएससी के आइकॉनिक प्लेटफॉर्म पे आपको पर्सनलाइज फीडबैक मिल देने वाले मेंटर्स होते हैं जो आपके आंसर्स को इवेलुएट करते हैं और बताते हैं कि यस दीज थिंग्स आर लैकिंग, अगर इसको हम लोग और कर लें, कंक्लूड प्रॉपर कर लें, इंट्रोडक्शन ठीक से लिख लें, डिमांड को एड्रेस कर लें, फ्लो चार्ट बना लें, जो जैसी आवश्यकता हो वैसी बातें आपको बताई जाएं, तो आप बेहतर लेखन शैली का विकास स्वयं से कर लेते हैं। तो ये आइकॉनिक पे मिलता है बच्चों, और आइकॉनिक की फ़ीस 24 महीने की 99,000 है। यहाँ भी अगर आप ACS लाइव, मेरा प्रोमो कोड है, आप इसे यूज़ करते हैं तो यू आर गोइंग टू हैव 10% डिडक्शन, 10% का डिडक्शन मिलेगा और आपको ये फ़ीस हो जाएगी 89,100 रुपये। ठीक है बच्चों, तो दिस इज़ व्हाट द प्रमोशन इज़। आपको अन अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, अन अकेडमी प्लस पे फिजिकल ज्योग्राफी मेरी चल रही है, ACS लाइव प्रोमो कोड है मेरा। अगर आपका विचार हो तो आप इस प्रोमो कोड को यूज़ करके 10% का डिस्काउंट लेकर के मेरी क्लास में आ सकते हैं। आप सबका स्वागत है। ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक है इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और बहुत कम लोग आए हुए हैं, इतने कम लोग आए हुए हैं कि आश्चर्य हो रहा है। चलिए कोई नहीं, टुडेज टॉपिक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? क्योंकि बायोडाइवर्सिटी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आपको जानना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड बायोडाइवर्सिटी। तो हाउ विल यू डिफाइन बायोडाइवर्सिटी? टोटैलिटी ऑफ जीन स्पीसीज एंड इकोसिस्टम इज टर्म्ड एज बायोडाइवर्सिटी। बायो प्लस डाइवर्सिटी दो शब्दों से मिला है बच्चों, जैव विविधता, लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने डाइवर्स हैं। ठीक है, लिविंग और जो बॉडी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनमें डाइवर्सिटी आपको देखनी है, ये है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जिसको अर्थ समिट में, अर्थ समिट 1992 में हुआ था, अर्थ समिट, इसको अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है, रियो द जेनेरियो में अर्थ समिट, जिसमें बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन किया गया था। व्हाट एग्जैक्टली द बायोडाइवर्सिटी इज? बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी एंड डिफरेंस एमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑल सोर्सेज इंक्लूडिंग टेरेस्ट्रियल, मैरीन एंड अदर इकोसिस्टम एंड द इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस। कहने का मतलब है कि बायोडाइवर्सिटी विविधता को व्यक्त करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी सोर्स से हों, टेरेस्ट्रियल सोर्स से हों यानी भूमि से हों, मरीन समंदर से हों,
या फिर किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के हों, किसी भी कॉम्प्लेक्स पारिस्थितिक तंत्र के हों, उन सब की टोटलिटी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो आप अगर आपसे कहा जाए कि भाई लेमैन लैंग्वेज में आप बायोडाइवर्सिटी क्या है आप ज़रा बताएंगे, तो आपको बताना चाहिए टोटलिटी ऑफ जीन स्पीसीज एंड इकोसिस्टम ऑफ द रीजन इज टर्म्ड एज बायोडाइवर्सिटी। किसी क्षेत्र का समस्त जीन, समस्त जाति, तथा समस्त पारिस्थितिक तंत्र तंत्र को उस क्षेत्र की बायोडाइवर्सिटी, क्षेत्र की जैव विविधता कहते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा और इलैबोरेट करूं तो हम लोग तीन स्तर पे बायोडाइवर्सिटी देख रहे हैं। पहला स्तर है बच्चों अनुवांशिक स्तर पे हम जाकर के जीन देख रहे हैं। यहाँ पे हम डीएनए को देखते हैं और आप सबको पता है डीएनए के अंदर जीन होती हैं, और जीन क्या करती हैं, कोई ना कोई जीवन में ट्रेट डिसाइड करती हैं, कोई ना कोई आपके चरित्र का निर्माण करती हैं, कुछ कैरेक्टर, चरित्र का मतलब चरित्र से मत लीजिएगा, आपके अंदर जो गुण हैं, चाहे आपकी हाइट हो, आपके बालों का रंग हो, आँखों का रंग हो, या फिर आपकी बुद्धिमत्ता हो, या फिर आपके अंदर होने वाले जो रोग हैं, वो सब कुछ जीन डिसाइड करता है। अथवा आप किसी क्षेत्र विशेष में रहते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं जीन की, ठीक है बच्चों। जीन में अगर विविधता है तो ये जीन क्या करता है, विविधता, प्यारे बच्चों, जीन में विविधता अनुकूलता को लाता है। इस बात को समझिएगा, जीन हमारे अंदर होते हैं, डीएनए के अंदर जीन होते हैं, और डीएनए में ये जो जीन होते हैं वो क्या काम करते हैं, कई तरह के ट्रेट को डिसाइड करते हैं, ट्रेट्स, जैसे कि शरीर पे बाल होंगे नहीं होंगे, आँखों का रंग कैसा होगा, है कि नहीं, सींग होगी कि नहीं होगी, कान हिलने वाले होंगे कि नहीं होंगे, तो ये सभी के अंदर होते हैं। ये सिर्फ मैं मनुष्य की बात नहीं कर रहा, जितने भी जीव जंतु हैं उन सब के अंदर जीन हैं, और वो जीन कोई ना कोई ट्रेट, कोई ना कोई कैरेक्टर डिसाइड करते हैं उस जीव का, और ये कैरेक्टर डिसाइड होता है वहाँ की पारिस्थितिक तंत्र के हिसाब से। पारिस्थितिक तंत्र का तात्पर्य होता है कि वहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन होगी, जो भौगोलिक दशा होगी, जो जलवायु दशा होगी, उसके हिसाब से पारिस्थितिक तंत्र होता है। ये आपको पता है बच्चों, क्लाइमेटिक कंडीशन यानी जलवायु कैसी है उसके हिसाब से वो पारिस्थितिक तंत्र होगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में कि आपके पास एक स्वैम्प है, स्वैम्प का मतलब दलदल है, और इस स्वैम्प में पानी जो है वो सेलाइन वाटर है, खारा पानी है। अब यहां पे जो भी जीव होंगे, जंतु होंगे या वनस्पति, जीव जंतु वनस्पति, जीव अगर कहते हैं तो जंतु और वनस्पति दोनों को इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे में जंतु और वनस्पति जो भी होंगे वो इस सेलाइन वाटर को झेलने की क्षमता रखेंगे, ठीक है, सेलाइन वाटर टॉलरेंस होगा उनके अंदर। और ये टॉलरेंस उनके अंदर कहाँ से आया बच्चों, ये टॉलरेंस उनके अंदर अनुवांशिक है, कोई ना कोई जीन ये टॉलरेंस देता है। जैसे मान लीजिए, अच्छा यहाँ क्लाइमेट क्या है, यहाँ सेलाइन वाटर समुद्री पानी है, स्वयं है, दलदली भूमि है, इसलिए हमें सेलाइन वाटर का टॉलरेंस चाहिए, तो जीन हमको वो टॉलरेंस देता है। यानी जीन क्या दे रहा है, अनुकूलता दे रहा है, अनुकूलन दे रहा है, एडेप्टेशन दे रहा है। अगर ना समझ में आया हो तो एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे मान लीजिए
जैसे मान लीजिए आप एक किसी रेगिस्तान में चले गए, रेगिस्तान में आपको क्या मिलने वाला है? पहला तो वेरी हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर मिलेगा, समझने की बात है, जरा समझिएगा, रात में लो टेम्परेचर भी मिलेगा, नाइट, रातें बहुत ठंडी होंगी और दिन बहुत गर्म होंगे, ठीक है? दैट मीन्स डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, रात में जो है बहुत ठंड होगी और दिन बहुत गर्म होगा, यानी यहाँ पे जो जीव होंगे वो हीट टॉलरेंट होंगे, हीट टॉलरेंट, और हीट से जो टॉलरेंस इनको मिलेगा वो कौन देगा? इनके अंदर सर्टेन जीन होंगी जो इनको हीट टॉलरेंस देंगे। अच्छा, रेगिस्तान में आपको पानी की कमी भी मिलेगी, पानी की कमी मिलेगी, पानी की कमी मिलेगी तो यहाँ पे स्पेशल जो जीव जंतु होंगे वो अलग तरह के होंगे, जिन्हें आप ज़ीरोफाइट कहते हैं, कहते हैं ना ज़ीरोफाइट, जब आप देखते हैं नागफनी को देखिए, कैक्टस को देखिए, तो इनके स्टेम मोटे होते हैं, स्वेलन स्टेम होते हैं, कांटे होते हैं, पत्तियाँ इनकी कांटे नुमा होती हैं, स्पाइन्स होते हैं। ये क्या है बच्चों? ये पानी की कमी को के अनुकूलित होने के लिए इनमें कुछ गुण बने, कैरेक्टर आए। ये जो अनुकूलन है ये कौन डिसाइड करेगा? ये जीन डिसाइड करेगा। तो स्पष्ट है बच्चों कि जीन में जो डाइवर्सिटी होती है वो वातावरणीय अनुकूलता के कारण आती है, यानी जो जीन डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी का एक पार्ट है जीन डाइवर्सिटी, या जेनेटिक डाइवर्सिटी जिसको कहते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी। ये जेनेटिक डाइवर्सिटी क्यों जीवों में आ रही है? क्योंकि वो वातावरण के अनुकूल हो रहा है, वातावरण की अनुकूलता के कारण। यानी पहले जिराफ की गर्दन छोटी थी, लेकिन जब जमीन पर से जिराफ ने सारा खाना खत्म कर दिया तो ऊपर वो पेड़ों से पत्तियां खाने लगे, और कई जनरेशन के बाद उनकी गर्दन धीरे धीरे लंबी होती गई। तो ये जो गर्दन लंबी होने की प्रक्रिया धीरे धीरे हुई है, उसका कारण था कि वो जो वायुमंडल था, जो वातावरण था, वो ऊपर उनके भोजन मिलने लगे, तो कई पीढ़ियों के बाद सतत विकास के रूप में उनकी अब लंबी गर्दन होने लगी थी। ये उनके जीन के अंदर गुण आ गया। ये गुण कैसे आया बच्चों? जैसे जैसे इन्वायरमेंटल चेंज हुआ ये गुण आया। डेजर्ट में जो प्लांट रहते हैं वो डेजर्ट के लिए जेरोफिटिक कैसे हुए? जैसे जैसे वहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हुई, वैसे वैसे जीन कॉम्बिनेशन चेंज हुए, अनुकूलता बढ़ती गई और वो जेरोफाइट बनते गए। कोई प्लांट हाइड्रोफाइट है तो हाइड्रोफाइट होने के लिए उसमें कुछ गुण होने चाहिए, और वो समस्त गुण वातावरण की अनुकूलता को अचीव करने में जीवों में आते हैं, और वो गुण जीन के द्वारा डिसाइड होते हैं। इसलिए जीन में वेरिएशन पाया जाता है, जीन में भिन्नता पाई जाती है, और इसी भिन्नता को जीन डाइवर्सिटी कहते हैं। जीन डाइवर्सिटी जितनी होगी उतनी ही ज़्यादा भिन्नता बायोडाइवर्सिटी में मिलेगी। जीन डाइवर्सिटी सदैव वातावरण की अनुकूलता को प्रदर्शित करती है। बात समझ में आ गई? तो ये है जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है? अगर हम लोग लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखते हैं, टोटलिटी ऑफ जीन स्पीसीज एंड इकोसिस्टम ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, तो तीन लेवल हम देख रहे हैं बायोडाइवर्सिटी के। एक है अनुवांशिक लेवल पे, जिसको हम जेनेटिक डाइवर्सिटी, अभी जिसको हम लोगों ने समझा कि जीन डाइवर्स होते जाते हैं जैसे जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होता जाता है। से फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ अस, हमारे ह्यूमन बीइंग के बारे में हम लोग जरा बात कर लें। ह्यूमन बीइंग को जब आप देखते हो, ये है अर्थ, ये रहा इक्वेटर 0 डिग्री, और ये मान लो 45 डिग्री है, दिस इज 45 डिग्री नॉर्थ, और ये 66.5 डिग्री है, ये आर्कटिक सर्किल है। अब जरा मैं आपसे पूछूं प्यारे बच्चों, यहां पे जो भी देश हैं इस 0 डिग्री के आसपास, विषुवत रेखा के आसपास, वहां पे जो होमोसेपियंस हैं, देखो होमोसेपियंस वहां भी हैं, वहां भी इंसान हैं, लेकिन वहां के इंसान आपको नीग्रो मिलेंगे,
नीग्रो क्यों मिलेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो क्लाइमेट है प्यारे बच्चों, उस क्लाइमेट के हिसाब से ये होमोसेपियंस अपने को ढाल लिए। तो क्या क्या परिवर्तन आया नीग्रो में? इनके कर्ली हेयर मिलेंगे, खूब मोटे मोटे कर्ली हेयर होते हैं, खूब मोटे मोटे बाल होते हैं। फिर इनकी जो स्किन होगी वो स्किन ब्लैक मिलेगी, ठीक है। इनकी बिल्ट स्ट्रांग होगी, स्ट्रांग होगी। क्यों स्ट्रांग होगी? क्योंकि यहाँ पे हमेशा टेम्परेचर अधिक है, ज़्यादा टेम्परेचर, तो इनका जो इंड्योरेंस है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो आप देखना कभी भी ओलंपिक वगैरह होता है ना, तो जब फास्ट रनिंग की बात होती है तब तो मान लो जीत जाते हैं, कोई भी वाइट भी जीत जाता है, ब्लैक भी जीत जाता है, अभी तो उसेन बोल्ट है ही, खैर तेज तर्रार। लेकिन जब मैराथन की बात आती है बच्चों, तो मोस्टली जो मैराथन जीतने वाले होते हैं वो इसी जोन के होते हैं। वाई दे आर प्रोन, वाई दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग दैट, उनमें इंड्योरेंस ज़्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि इनको वैसा बना दिया। अब आप चले जाइए इधर स्कैंडिनेवियन कंट्री में जाके पूछिए भाई, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन, इंग्लैंड, आयरलैंड, यहाँ पे आप जाइए और आपको जो यहाँ की इथनिसिटी मिलेगी वो गोरे लोग मिलेंगे, जिनको आप वाइट पीपल कहते हैं, ठीक है। तो ये वाइट क्यों है? क्यों? यहाँ इंसुलेशन कम है, इंसुलेशन कम है, सूर्य तप कम है, तो इनको जो है इनकी स्किन को प्रॉब्लम नहीं होती। स्किन में मेलानिन सिंथेसिस तब होता है बच्चों जब इंसुलेशन अधिक हो। मेलानिन सिंथेसिस हम लोगों में ज़्यादा होती है, निग्रो में ज़्यादा होती है, या हम लोग जो हैं ब्राउन हम लोगों में ज़्यादा होती है, वहाँ नहीं होती। सो ये मेलानिन सिंथेसिस इक्वेटोरियल रीजन में होगा और हायर लैटिट्यूड पे नहीं होगा। कौन डिसाइड करता है आपकी बॉडी में? ये डिसाइड करता है वहाँ का क्लाइमेट। और इस डिसीजन के कारण हमारे यहाँ निग्रो में भी वो जीन होते हैं, निग्रो में भी जो जीन मेलानिन बनाता है वो होता है, और वाइट पीपल में भी वो जीन होते हैं जो मेलानिन बना सकता है, ठीक है बच्चों। यहाँ भी वो जीन होंगे जो मेलानिन बना सकता है, लेकिन यहाँ चूंकि क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी आ गई, ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन आ गई कि इस जीन को एक्टिवेट होना पड़ा और मेलानिन बनाना पड़ा और इंसुलेशन से लड़ना पड़ा, इसलिए यहाँ की जेनेटिक डाइवर्सिटी दोनों में जीन कॉम्बिनेशन एक होते हुए भी यहाँ चेंज हुई है। तो यहाँ आप देखेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी चेंज हो रही है ऑन द वेरी बेसिस ऑफ क्लाइमेट। अगर हम ह्यूमन की बात करें, एक छोटा एग्जाम्पल मैंने लिया, उस तरह से इस तरह की डाइवर्सिटी आपको एनिमल और प्लांट में खूब सारी देखने को मिलती है, ठीक है। डार्विन जब गए गैलापागोस आइलैंड में, बहुत ही मज़ेदार बात आपको बताने जा रहा हूँ, हाउ डाइवर्सिटी, हाउ क्लाइमेट डिसाइड डाइवर्सिटी। चार्ल्स डार्विन का नाम आपने सुना होगा, वही चार्ल्स डार्विन, थोड़ा सा मैं डीप में जा रहा हूँ तो घबराइएगा मत, मेरी आदत है थोड़ा हर चीज़ आपको समझाने की बताने की, तो मेरे साथ अगर आप बने रहते हैं तो चीज़ें आपको कभी नहीं भूलेंगी, ये मेरी गारंटी। ये चार्ल्स डार्विन वही हैं जिन्होंने एक किताब लिखी थी, उनकी किताब का नाम भी इम्पॉर्टेंट है, किताब का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सेलेक्शन, ठीक है। प्रकृति के वर्णवाद से, प्रकृति का वर्ण जो है, नेचुरल सिलेक्शन, प्रकृति चुनती है कि आप जो है फिट हो, आप जो है ये लाइफ जियो, जो भी कंडीशंस है उसके हिसाब से प्रकृति वर्ण करती है। जो लोग अपने को अनुकूलित बना लेते हैं वो जिंदा रहते हैं, जो लोग अनुकूलित चेंजिंग इन्वायरमेंट से नहीं हो पाते वो ख़त्म हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, जैसे डायनासोर के साथ हुआ, ठीक है बच्चों। अभी मैं बात कर लूँ चार्ल्स डार्विन की, जीन कैसे, जीन की डाइवर्सिटी क्लाइमेट से वेरिएशन में एडेप्टेशन को बढ़ावा देती है या साथ देती है एडेप्टेशन में, उसको समझना है हमें। चार्ल्स डार्विन ने किताब लिखी है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, और इन्होंने अपना वाद दिया है, इन्होंने अपना एक नियम प्रस्तुत किया जिसको हम थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है।
जिसको कालांतर में आप लोग जानने लगे थे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के नाम से, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तर जीविता। लेकिन इन्होंने ये वाद नहीं दिया था, वाद दिया था थियरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन। आर यू गेटिंग? चार्ल्स डार्विन गए थे, गैलापागोस आइलैंड है पैसिफिक ओशन में, आप सभी देखे होंगे, वहां पे गए तो वहां फिंच पक्षी थे, फिंच। ये जो फिंच थे वो एक ही स्पीसीज के थे, लेकिन उस गैलापागोस आइलैंड पे फिंच की कई सारी वैरायटीज मिली। वैरायटीज क्या क्या मिली? कुछ फिंच पक्षी थे जिनकी चोंच नुकीली थी, कुछ फिंच पक्षी थे जिनकी चोंच काफी लंबी और पतली थी, कुछ फिंच ऐसे थे जिनकी चोंच किनारे पे जाके नुकीली थी, ठीक है बच्चों, कुछ फिंच ऐसे थे जिनकी बीक बहुत छोटी थी। ये सारे पक्षी हैं, मैं पक्षी बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एक ही जाति में इस तरह का वेरिएशन, तो इन्होंने ध्यान से देखा, ये सारे के सारे फिंच हैं। भाई आप तोता देखते हो तो तोता का एक जैसी आप चोंच देखते हो, ऐसा नहीं है कि तोता एक कौवे जैसी चोंच हो जाएगी, तोते में एक जैसी, लेकिन यहाँ फिंच में कई सारे इन्होंने चोंच देखे। ये एक ही स्पीसीज है बच्चों, देख लो, एक ही स्पीसीज है, लेकिन इसके अंदर वेरिएशन आया। इस फिंच को देखा जो ये लंबी चोंच वाली था, चोंच वाली फिंच थी, इसको इन्होंने देखा तो ये जो है जमीन के अंदर जो छोटे छोटे छिद्र थे उसके अंदर चोंच डाल के कीड़े खाती थी जमीन से, अंदर डाल के जमीन के अंदर से कीड़े निकाल के खाती थी। इसको देखा तो ये मांसाहारी थी, इसको मांस पसंद था, इसकी चोंच बिल्कुल ईगल की तरह नुकीली थी किनारे कि वो डिप करे और मांस को फाड़ सके। ये जो छोटी वाली थी ये जो है नॉर्मल जमीन से ग्रेन उठा करके, दाने उठा करके या फ्रूट्स वगैरह खाती थी, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। और ये वाली जो फिंच थी वो लकड़ी फोड़ करके, लकड़ी तोड़ करके उसके अंदर के कीड़े खाती थी। तो डार्विन ने देखा कि यार एक ही स्पीसीज है, फिंच है सारी की सारी, एक की चोंच कंसिडरेबली खूब लंबी, दूसरे की नुकीली, तीसरे की छोटी ब्लंट और चौथे की मीडियम रेंज की, ऐसा क्यों हुआ? तो इनके फूड हैबिट के कारण, कई सालों से इनमें जो फूड हैबिट था, जो ये खाना खा रहे थे उसके हिसाब से इनकी चोंच होती गई। तो इन्होंने कहा कि यार एक ही स्पीसीज के अंदर भी वेरिएशंस हो सकते हैं, और वो वेरिएशन जीन के कारण हुए, और उसी वेरिएशन को हम कहते हैं बच्चों नेचुरल सिलेक्शन। अब ये फिंच समय रहते अलग जाति की उत्पत्ति कर देंगे समय के साथ साथ आगे चल करके, ठीक वैसे ही ह्यूमन होमोसेपियंस हैं, तो निग्रो आपको ब्लैक दिखाई पड़ते हैं, वाइट आपको पता है वाइट दिखाई पड़ते हैं, वाई बिकॉज क्लाइमेटिक कंडीशन। तो एक ही स्पीसीज के अंदर भी डाइवर्सिटी है, और वो डाइवर्सिटी जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है। तो आप समझे जैव विविधता क्या है, टोटल डाइवर्सिटी इन जीन स्पीसीज एंड इकोसिस्टम। हम लोग अभी जीन डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, एक ही जाति में अलग अलग जीन होने से भी डाइवर्सिटी अलग होती है, और वो जीन अलग क्यों होते हैं? क्योंकि वैसी क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, क्लाइमेटिक कंडीशन अलग होगी डाइवर्सिटी अलग होगी, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं हम लोग स्पीसीज डाइवर्सिटी की। यहाँ बात हुई थी ना बायोलॉजी, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, सो टोटेलिटी ऑफ इट डिफाइंड एज द टोटेलिटी ऑफ जीन। जीन की चर्चा हम लोग जेनेटिक डाइवर्सिटी की कर लिए, टोटेलिटी ऑफ जीन। अब स्पीसीज की बात करें और इकोसिस्टम की बात करें एक पर्टिकुलर रीजन में। स्पीसीज आप समझ रहे हैं, स्पीसीज वो प्राणी हैं जो आपस में इनब्रीडिंग कर सकें, इनब्रीडिंग मतलब आपस में प्रजनन कर सकें, जैसे एलिफेंट एक स्पीसीज है, ठीक है बच्चों, लायन स्पीसीज है, ह्यूमन स्पीसीज है, हॉर्स स्पीसीज है, देर आर सम स्पीसीज विच आर वेरी रिलेटेड, जैसे हॉर्स और डंकी, ये सब स्पीसीज के हैं,
दे कैन इन ब्रीड, बट इनकी जो संतान होती है, इन ब्रीडिंग के बाद जो संतान उत्पत्ति हो वो फर्टाइल हो, ये भी शर्त होती है सेम स्पीसीज होने का। मतलब ऐसा नहीं है जैसे हॉर्स और डंकी के इन ब्रीडिंग से बच्चों म्यूल होते हैं, खच्चर पैदा होते हैं, बट खच्चर आर इनफर्टाइल, ये इनफर्टाइल होते हैं, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, इनको बच्चे नहीं हो सकते। खच्चर इनफर्टाइल है हॉर्स और डंकी के क्रॉस से होता है। तो इनब्रीडिंग हो यानी आपस में प्रजनन हो, और प्रजनन के बाद जो संतान उत्पत्ति हो वो फर्टाइल होनी चाहिए, तो उसे हम एक स्पीसीज कहेंगे। अच्छा, स्पीसीज डाइवर्सिटी से मतलब है कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में कितने अलग अलग जातियां रहती हैं, एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में कितनी अलग अलग जातियां रहती हैं, इसे हम स्पीसीज डाइवर्सिटी कहते हैं बच्चों। क्लियर है? लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी में दूसरी बात हो गई, स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी का मतलब होता है आपस में जो प्रजनन करे और प्रजनन के बाद जो संतति बने वो फर्टाइल होनी चाहिए, दैट कंस्टिट्यूट स्पीसीज डाइवर्सिटी। क्लियर है? और डाइवर्सिटी का मतलब नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा हो। और स्पीसीज डाइवर्सिटी को व्यक्त करने के लिए दो चीजें होती हैं बच्चों, वो होती है स्पीसीज रिचनेस और स्पीसीज इवननेस, आगे चल के हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग जरा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की बात करें। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की बात जब हम करते हैं तो एक लैंडस्केप को देखिए, जैसे मान लीजिए एक पूरे क्षेत्र को आप देख रहे हैं, एक बहुत बड़े क्षेत्र को आप देख रहे हैं जहाँ पे कई सारे इकोसिस्टम हैं। से फॉर एग्जांपल ये माउंटेन है, माउंटेन के बाद आपको यहीं पे आपको एक लेक है, झील है, दिस इज माउंटेन, ये लेक है, पॉन्ड है, इसी माउंटेन से एक नदी भी आ रही है, ठीक है बच्चों, दिस इज रिवर। और इस रिवर ये कहीं जाकर के मिल रही है समंदर में, तो आपको एक इकोसिस्टम माउंटेन इकोसिस्टम मिला, दूसरा लेक इकोसिस्टम मिला, तीसरा रिवर इकोसिस्टम मिला, चौथा इसके चारों तरफ खूब सारी जंगल झाड़ियां हैं, है कि नहीं? सो यू आर गोइंग टू हैव फॉरेस्ट इकोसिस्टम ऑल्सो। तो इस पूरे लैंडस्केप पे, इस पूरे लैंडस्केप पे, लैंडस्केप का मतलब होता है एक बहुत बड़ा एरिया, इस पूरे लैंडस्केप पे आपको कई तरह के इकोसिस्टम दिखाई पड़ रहे हैं। सो दिस इंटायर लैंडस्केप हैज डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम, और इसी को हम कहते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी या नंबर ऑफ इकोसिस्टम्स आर वेरियस इन इंटायर लैंडस्केप इज टर्म्ड एज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, या इसको कहते हैं कम्युनिटी डाइवर्सिटी। से फॉर एग्जाम्पल कम्युनिटी, क्यों? अब फॉरेस्ट कम्युनिटी यहाँ है, यहाँ फ्रेश वाटर कम्युनिटी होगी। कम्युनिटी का मतलब होता है एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने वाले इंडिविजुअल को कम्युनिटी कहते हैं, तो यहाँ फ्रेश वाटर में रहने वाले इंडिविजुअल होंगे, फॉरेस्ट कम्युनिटी होगी, रनिंग वाटर में रहने वाले इंडिविजुअल होंगे और स्टैगनेंट वाटर में रहने वाले इंडिविजुअल होंगे, है कि नहीं? रनिंग वाटर मतलब रिवर का पानी तो बहता रहता है, तो रनिंग वाटर में कुछ जीव जंतु होंगे जो वहाँ के लिए पिक्यूलियर होंगे, कुछ लेक में जो जीव जंतु हैं वो पॉन्ड इकोसिस्टम के लिए पिक्यूलियर होंगे, कुछ माउंटेन पे आपको रोडोडेंड्रॉन टाइप की फूल मिल रहे होंगे, कोनीफेरस फॉरेस्ट मिल रहा होगा, तो वो यहाँ के लिए वो कम्युनिटी स्पेसिफिक होगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी या कम्युनिटी डाइवर्सिटी क्या होती है, एक पूरे लैंडस्केप पे जो डिफरेंट नंबर ऑफ इकोसिस्टम होते हैं उसको हम इकोसिस्टम डाइवर्सिटी करते हैं। यानी तीन लेवल हो गए डाइवर्सिटी के, बायोडाइवर्सिटी के, बायोडाइवर्सिटी के लेवल नंबर वन बायोडाइवर्सिटी, परिभाषा है टोटैलिटी ऑफ जीन स्पीसीज एंड इकोसिस्टम, और यही तीनों लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैं, इनको कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। इनको कहते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी, और इसे कहते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी।
ठीक है बच्चों, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ये डाइवर्सिटी आपकी बायोडाइवर्सिटी को डिनोट करती है। जीन डाइवर्सिटी इन्वायरमेंट में एडेप्टेशन बताती है कि इन्वायरमेंटल एडेप्टेशन, इन्वायरमेंट के साथ किस तरह से अनुकूलन स्थापित करने के लिए जो भी जीन चाहिए वो जीन आपके अंदर है, और जैसे ही जीन वेरिएशन होता है वहाँ पे अलग अलग जातियों की उत्पत्ति होती है, और यही अलग अलग जातियाँ मिल करके एक इकोसिस्टम बनाती हैं और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी होती है। सो दिस इज़ ऑल लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तीन लेवल हैं बायोडाइवर्सिटी के, लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अच्छा प्यारे बच्चों, ये जब लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी हम देख रहे हैं तो हम इसे मेज़र कैसे करते हैं, इसका मेज़रमेंट कैसे किया जाता है, तो आइए ज़रा बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। उससे पहले एक छोटा इन्फॉर्मेशन आप जान लें, डेवलपमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना चाहिए क्योंकि बायोडाइवर्सिटी के आने वाली क्लासेस में हम लोग देखेंगे इसकी सर्विसेज को, कई तरह की सर्विसेज हमें ये प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हमें बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना चाहिए। दूसरी चीज़, हम बायोडाइवर्सिटी का लॉस भी खूब कर रहे हैं, हैबिटेट उड़ा दे रहे हैं, फॉरेस्ट काट दे रहे हैं, कहीं लैंडस्लाइड हो जा रही है, बहुत सारे पोल्यूशन के कारण बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहे हैं, जैसे कोरल ब्लीचिंग वगैरह, हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा है, पोल्यूशन पढ़ा है तो क्लाइमेट चेंज पढ़ा है, तो आप सब ने बायोडाइवर्सिटी लॉस देख रहे हैं। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस होना इज़ नॉट गुड, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी से हमें कई सारी सेवाएँ मिलती हैं, इतनी सारी सेवाएँ मिलती हैं कि आप आश्चर्य करेंगे कि आपको बायोडाइवर्सिटी लॉस की कीमत हो सकता है ह्यूमन एक्सटिंक्शन से चुकानी पड़ेगी। ये मैं वाक्य जो बोल रहा हूँ बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मैं लिख देता हूँ इसको, आप इसको ध्यान में रखिएगा ताकि आप इसके सीरियसनेस को समझ सकें, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मे लीड टू ह्यूमन एक्सटिंक्शन। ये बहुत बड़ी बात मैं लिख रहा हूँ बच्चों, इंसान के विलुप्तीकरण का कारण बन सकती है ये बायोडाइवर्सिटी लॉस। क्यों? बिकॉज दे प्रोवाइड सो मेनी सर्विसेज, हम देख भी नहीं पाते, और कई सारी सर्विसेज हैं। क्या कुमार अमृत ने क्या लिखा है जिसको मुझे रिप्लाई करना है, प्लीज रिप्लाई सर। अमित, आपने कोई क्वेश्चन पूछा है क्या, आपने रिप्लाई करने के लिए कहा? कुमार अमृत, हैव यू आस्क एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए, ऐसे क्या रिप्लाई मैं करूं, क्वेश्चन पूछे तो रिप्लाई करें। ये सिबाका गीतमाला थोड़ी है रेडियो कि मेरा नाम लीजिए। कोई आपका क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, अगर क्वेश्चन नहीं पूछना है तो फिर कोई मतलब नहीं है इस तरह से। कोई क्वेश्चन नहीं दिखा भाई, आप फिर से पूछ लीजिए, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। एनीवे, सो मेनी सर्विसेज इज प्रोवाइडेड बाई बायोडाइवर्सिटी, खूब सारी सेवाएं हम बायोडाइवर्सिटी के लेते हैं जाने अनजाने में, मतलब हमें पता भी नहीं है और बायोडाइवर्सिटी सेवा करती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही लेते हैं, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ दिस इकोसिस्टम, यू कैन से ऑन दिस अर्थ, इज रिलेटेड, कनेक्टेड विथ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इन्हीं इंडिविजुअल के मिलने से बनती है बच्चों। हम लोगों ने फूड वेब और फूड चेन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उस समय मैंने आपको इशारा किया था कि एक इकोसिस्टम जिसमें डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है वो इकोसिस्टम ज़्यादा स्टेबल होता है। मान लीजिए जैसे आप किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हैं और आपने केवल एक रस्सी पकड़ी हुई है, वो रस्सी किसी कारण से छूट जाए अथवा टूट जाए, आप नीचे गिर सकते हैं।
लेकिन अगर आप उसी पहाड़ पे चढ़ रहे हैं और आपके 10 साथियों ने आपको 10 रस्सी पकड़ाई हुई है और आप चढ़ रहे हैं, मान लीजिए एक दो साथियों की रस्सी छूट भी जाती है आपसे, तो बाकी के 8 साथी आपको ऊपर खींच लेंगे। ठीक ऐसा ही होता है बच्चों फूड चेन और फूड वेव में। कई सारे जब जीव जंतु होते हैं किसी एक इकोसिस्टम में तो वो एक दूसरे से आबद्ध होते हैं। एक चेन टूटती है तो दूसरी चेन से काम चल जाता है, बात समझिएगा। अल्टरनेटिव है वहाँ, एक चेन टूटी दूसरी चेन बन गई, दूसरी चेन से एनर्जी फ्लो हो रहा है। तो जितना ही अधिक बायोडाइवर्सिटी किसी इकोसिस्टम का होता है वो इकोसिस्टम उतना ही मजबूत होता है, उतना ही स्ट्रांग होता है, उतना ही ज़्यादा स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, साम्यावस्था वहाँ होती है और फ्लरिश करता है। जिस भी इकोसिस्टम की बायोडाइवर्सिटी ख़त्म होती है बच्चों, ये जो कई सारे बॉन्ड हैं, कई सारे जो चेन हैं, कई सारे जो अल्टरनेटिव हैं वो ख़त्म होने लगते हैं और जाने अनजाने में बायोडाइवर्सिटी लॉस से ऐसा हो सकता है कि ये लॉस इतना हो जाए कि ह्यूमन का एक्सटिंक्शन हो जाए। ये वाक्य बहुत इम्पॉर्टेंट है, यही कारण है कि हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है। आगे चल के मैं बताऊँगा इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में। फिलहाल आप जाने बच्चों 1992 में अर्थ समिट हुई थी रियो द जेनेरियो में, जिसे रियो अर्थ समिट के नाम से जानते हैं। हम लोग अभी कन्वेंशन जब पढ़ रहे थे तो उसमें भी हमने चर्चा की थी, जिसमें 3 बातें कही गई थी अर्थ समिट में। उन 3 बातों में एक प्रमुख बात थी कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आपको वहाँ पे मैंने बताया था एजेंडा 21, याद करिए एजेंडा 21। उसके बाद UNFCCC और तीसरा था CBD, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हम लोग पढ़ चुके हैं कन्वेंशन सारे, मैंने आपको बता दिए बच्चों। तो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी 1992 रियो अर्थ समिट का एक प्रमुख पार्ट था, जिसको दुनिया भर के लोगों ने मिल करके बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के लिए सोचा और आगे बढ़े। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, आपका प्रश्न उठना चाहिए वाई, बिकॉज ऑफ सर्विसेज। अभी सर्विसेज आपको नहीं पता इसलिए आप इस पर बहुत सोच नहीं पा रहे होंगे। द सस्टेनेबल यूज ऑफ द कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, फिर आप पूछिए वाई। वाई बिकॉज अगर आप सस्टेनेबल यूज करते हैं, आप अपनी नीड को पूरा करते हैं, अपनी ग्रीड को नहीं, तो आने वाली जनरेशन को भी ये एज इट इज इंटैक्ट मिलेंगी, जो हमारा कर्तव्य भी है, धर्म भी है। ठीक है बच्चों, तो सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी और उसके कंपोनेंट को हमें सस्टेनेबली यूज करना है। तीसरी बात फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट अराइजिंग आउट द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्स। जो भी जेनेटिक रिसोर्स हैं यानी जो भी बायोडाइवर्सिटी है, उससे जो कुछ भी हम सर्विसेज लेते हैं बच्चों, उनका फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग होना चाहिए। इक्वल शेयरिंग की बात नहीं है, इक्विटेबल शेयरिंग होना चाहिए उन सारे बेनिफिट का। इक्विटेबल शेयरिंग का मतलब ये होता है कि एज पर रिक्वायरमेंट, जैसे मान लीजिए एक परिवार में 4 भाई हैं, हो सकता है आपके भी परिवार में हैं। अब आप हैं दुबले पतले पढ़ने लिखने वाले और आपका एक भाई वेट लिफ्टर है। अब दूध होता है 5 किलोग्राम, 5 लीटर दूध आपके घर में होता है, मान लो किलोग्राम में बोल दिया, 5 लीटर दूध होता है। तो आपका वो भाई जो कि बहुत मजबूत है, एथलीट है, उसकी डाइट ज़्यादा होगी आपसे। तो वहाँ पे इक्वल शेयरिंग अगर आपकी माताजी करती हैं तो वो उस भाई के लिए अन्यायपूर्ण होगा। वहाँ इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए। कहने का मतलब ही डिजर्व मोर, वो क्यों डिजर्व। अब आप बैठ के पढ़ रहे हो, आपको आधा लीटर दूध मिल जाए तो बहुत है, और उससे ज़्यादा मिलेगा तो पचेगा नहीं, पता चला कि आप फिर दवा खाते फिरोगे। लेकिन आपका जो छोटा भाई है वो एथलीट है, वो दौड़ता है, मेहनत करता है, शारीरिक श्रम करता है, उसको प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा चाहिए, उसे भोजन ज़्यादा चाहिए, तो उसका शेयर ज़्यादा बनता है। तो एज़ पर रिक्वायरमेंट, तो जो भी ये शेयरिंग, इक्विटेबल शेयरिंग का यही मतलब होता है बच्चों, इससे बेहतर मैं नहीं समझा सकता था। फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग, सो एज़ पर रिक्वायरमेंट जो बेनिफिट है उसकी शेयरिंग होनी चाहिए। ये कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के 3 पिलर्स हैं जिसका आप ध्यान रखेंगे। दोबारा मैंने ये बता दिया, पिछली बार जब मैंने कन्वेंशन पढ़ाए थे तब भी कहा था। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग पहले जानें कि बायोडाइवर्सिटी को हम मापते कैसे हैं। मापने का तरीका पहले ये आप जान लें, जेनेटिक डाइवर्सिटी, यहाँ आप देख रहे हैं
जीन से रिप्रेजेंट किया गया है डीएनए, जो इन स्पीसीज के अंदर जो डीएनए है वो है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जितने ही जीन होंगे उतना ही ज़्यादा एडेप्टेशन होगा, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में अलग अलग एडेप्टेशन के लिए आवश्यक होगा जीन। जीन की वेरिएशंस बताएंगे कि ऑर्गेनिज्म कितना वेरी करते हैं। दूसरा है बच्चों स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी में आप देख रहे हैं यहाँ चिड़िया, दो तरह की चिड़िया, एक टिड्डा है, यहाँ एक इंसेक्ट दिया हुआ है, यहाँ फ्लावर है, एक आपको यहाँ पे कैक्टस दिख रहा है, इधर लोमड़ी दिख रही है, व्हाट एवर जो भी बारहसिंघा दिख रहा है, बियर दिख रहा है। सो दिस इज व्हाट डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज जो इन ब्रीडिंग कर सके, ठीक है। अब यहाँ देखें बच्चों, ये एक लैंडस्केप है, काफ़ी बड़ा लैंडस्केप है जिसमें आपको रॉकी माउंटेन दिख रहा है। रॉकी माउंटेन कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका। इंडीज कहाँ है? साउथ अमेरिका। ये सब ज्योग्राफी वगैरह पढ़ते रहा करिए। उसके फुट हिल, यहाँ पे नदियाँ चल रही हैं, यहीं कहीं तालाब भी हैं, फॉरेस्ट दिखाई पड़ रहे हैं, फॉरेस्ट के बाद थोड़ा ग्रासलैंड भी दिख रहा है और इधर डेजर्ट भी दिख रहा है कि नहीं? ग्रासलैंड, पार्कलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट, बोरियल फॉरेस्ट, इसका मतलब कनाडा वगैरह का ये दिया है, ये कैनेडियन शील्ड का दिया, देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है बोरियल फॉरेस्ट, मुझे अंदाज़ा लगा दिस इज़ फ्रॉम कैनेडियन शील्ड। ये कैनेडा में रॉकीज़ माउंटेन है, उसके बाद ग्रासलैंड है, टेम्परेट ग्रासलैंड है, और बोरियल फॉरेस्ट भी है, कोनीफेरस फॉरेस्ट आपको दिखाई पड़ रहे हैं। सो इंटायर लैंडस्केप पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम दिखाई पड़ रहे हैं, सो मेनी इकोसिस्टम। इसको कहते हैं हम इकोसिस्टम डाइवर्सिटी और कम्युनिटी डाइवर्सिटी, ठीक है बच्चों। तो तीन लेवल हो गए बायोडाइवर्सिटी के, जेनेटिक, स्पीसीज और इकोसिस्टम, ठीक है, क्लियर हो गया, परिभाषा के हिसाब से समझ गए। एंड व्हाई बायोडाइवर्सिटी इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज दे सर्व सो मेनी सर्विसेज टू अस एज वेल एज ईच अदर, एक दूसरे को भी वो सर्विस देते हैं और हमें भी देते हैं। और अगर बायोडाइवर्सिटी का एक्सटिंक्शन होता रहा जिस रेट से हो रहा है, तो वो दिन दूर नहीं, ह्यूमन को पता ही नहीं चलेगा कि वो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, ये स्थिति हो सकती है बच्चों। आइए बात करते हैं हम लोग ज़रा कि कैसे हम मापते हैं बायोडाइवर्सिटी को। बायोडाइवर्सिटी को मापने का जो तरीका है वो तीन तरह की बायोडाइवर्सिटी होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा बायोडाइवर्सिटी। पहले इसको देख लेते हैं, अल्फा, बीटा और गामा बायोडाइवर्सिटी, इनको नाम दिया गया है अल्फा बायोडाइवर्सिटी। अल्फा बायोडाइवर्सिटी का मतलब है बच्चों कि एक पर्टिकुलर एरिया में जो इकोसिस्टम है, एक इकोसिस्टम में जो बायोडाइवर्सिटी है वो अल्फा बायोडाइवर्सिटी कहलाई जाएगी, ठीक है। विद इन इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं एक पारिस्थितिक तंत्र के अंदर स्थित बायोडाइवर्सिटी, एक पारिस्थितिक तंत्र में स्थित जैव विविधता, जैव विविधता, एक पारिस्थितिक तंत्र में स्थित जैव विविधता। जैसे मान लीजिए आपके पास एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट है, अब इस फॉरेस्ट में आपने देखा कि कुछ बहुत बड़े बड़े ट्रीज हैं, हैं कि नहीं, कुछ काफ़ी बड़े बड़े वृक्ष हैं जो कि इस जंगल में हैं, कुछ छोटी छोटी झाड़ियाँ भी हैं और कुछ बहुत छोटे छोटे ग्रासलैंड भी हैं, यहाँ पे जानवर भी हैं, आपको यहाँ लायन भी हैं, एलिफेंट भी हैं, सो मेनी एनिमल्स आर देयर। ये क्या है बच्चों? एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम है फॉरेस्ट, जिसमें कई सारे जो टोटल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं उनको हम कहते हैं अल्फा डाइवर्सिटी। विद इन इकोसिस्टम ठीक है, विद इन इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को हम कहते हैं अल्फा डाइवर्सिटी, क्लियर हो गया। एक इकोसिस्टम में, एक पारिस्थितिक तंत्र में स्थित जैव विविधता को अल्फा डाइवर्सिटी कहते हैं। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए यहां फॉरेस्ट है और बगल में यहीं पे एक पॉन्ड इकोसिस्टम है, पॉन्ड है यहां पे, ध्यान दीजिएगा, फॉरेस्ट के किनारे पॉन्ड है, तो ऐसा तो है नहीं कि फॉरेस्ट और पॉन्ड में यहां पे कोई दीवार होगी,
वहाँ पे ज़मीन ही होगी, उस ज़मीन में फॉरेस्ट की भी कुछ चीज़ें होंगी, कुछ स्पॉन्ड के हाइड्रोफाइट भी होंगे, पानी वाले पौधे होंगे यहाँ, पानी के पौधे, कुछ झाड़ियाँ भी होंगी बच्चों। झाड़ियाँ जो हैं कहाँ की होंगी? फॉरेस्ट की। यानी ऐसा एक जोन मिलेगा जहाँ पे इन दोनों इस इकोसिस्टम के और इस इकोसिस्टम के जीव जंतु होंगे। इस जोन को कई बार पूछा हुआ है, कहते हैं इकोटोन, ठीक है, इकोटोन, ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम। दो इकोसिस्टम हैं, दोनों इकोसिस्टम के कुछ कुछ स्पीसीज वहां पे हैं, मिक्स ऑफ स्पीसीज हैं, और वहां पे इकोटोन है। और याद रखिएगा, वेन एवर देयर विल बी इकोटोन, वहां की बायोडाइवर्सिटी अधिक होती है। मेरी बात समझिए, क्योंकि मिक्सिंग ऑफ टू इकोसिस्टम हैव डाइवर्सिटी, मोर डाइवर्सिटी। तो जहां कहीं भी इकोटोन होगा, देयर विल बी मोर डाइवर्सिटी। और ये इकोटोन में कुछ जातियां प्रजातियां इधर फॉरेस्ट की भी होंगी, फॉरेस्ट वाली भी होंगी, और यहाँ कुछ पॉन्ड इकोसिस्टम के भी छोटे मोटे हाइड्रोफाइट्स होंगे, या यहाँ एम्फीबियन मेढक बैठा हुआ होगा, कुछ भी हो सकता है, जो पानी में भी रहते हैं और जल में भी रह सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ एक पॉन्ड इकोसिस्टम दिखेगा जिसमें मछलियाँ होंगी, जलीय जंतु होंगे, हाइड्रिला होंगे और हाइड्रोफाइट्स होंगे। प्यारे बच्चों, जब दो इकोसिस्टम में हम कंपेयर करते हैं बायोडाइवर्सिटी को, तो उसको हम कहते हैं बीटा डाइवर्सिटी, ठीक है, इसको भी लिख लीजिए, बीटा डाइवर्सिटी। बीटा ऐसा लिख लीजिएगा, बीटा जैव विविधता, बीटा डाइवर्सिटी। क्या बताता है बीटा डाइवर्सिटी? इकोसिस्टम वन और इसी से जुड़ा है इकोसिस्टम टू, ये बीच में हुआ इकोटोन। यहाँ स्पीसीज 10 स्पीसीज यहाँ हैं और 10 स्पीसीज यहाँ हैं, बीच में यहाँ आपको 15 स्पीसीज मिली। कुछ स्पीसीज कॉमन हैं दोनों इकोसिस्टम में। तो ये हम देखते हैं कि एक इकोसिस्टम और दो इकोसिस्टम में जो डाइवर्सिटी हैं वो क्या हैं, उसमें डिफरेंस क्या है, वो बताता है बीटा डाइवर्सिटी। तो कंपैरिजन ऑफ टू इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज बीटा डाइवर्सिटी। लिख सकते हैं बीटा डाइवर्सिटी दो पारिस्थितिक तंत्र में स्थित जैव विविधता में अंतर बीटा डाइवर्सिटी जैव विविधता कहलाता है, ठीक है बच्चों। दूसरे शब्दों में हम लिख सकते हैं चेंज इन बायोडाइवर्सिटी विद इन टू इकोसिस्टम, वह परिवर्तन जो दोनों इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी के रूप में दिखाई पड़ता है, उसे हम बीटा डाइवर्सिटी कहते हैं। यानी कुछ इसमें एक्सक्लूसिव होंगे, मान लो इस 10 में से 8 इसके एक्सक्लूसिव हैं, इस 10 में से 9 इधर के एक्सक्लूसिव हैं। तो चेंज इन बायोडाइवर्सिटी दो इधर के एक इधर के, यानी 3 जो होगा वो इसकी बीटा डाइवर्सिटी होगा। क्लियर है? आर यू गेटिंग दिस? ज्ञान, मेरी जो प्लेलिस्ट है वहीं आपको वीडियो मिल जाएगी, चैनल पे जाएंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगी। ये तो हुई बीटा डाइवर्सिटी, दो इकोसिस्टम के बीच में डाइवर्सिटी देखनी है। अब जब हम गामा डाइवर्सिटी के बाद देखते हैं, गामा डाइवर्सिटी किसे कहते हैं, तो पूरे लैंडस्केप में जो बायोडाइवर्सिटी का चेंज दिखाई पड़ता है, यानी पूरे लैंडस्केप में जो बायोडाइवर्सिटी दिखती है वो गामा डाइवर्सिटी है, ठीक है। सो इट इज द मेजर ऑफ गामा डाइवर्सिटी, नोट कर लीजिए गामा डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी ऑफ लैंडस्केप। इसको दूसरे शब्द में लिख सकते हैं बायोडाइवर्सिटी ग्रेडियंट। कहने का मतलब है, अब यहां फॉरेस्ट है, ठीक है, फॉरेस्ट के बाद यहां पॉन्ड है, ये रहा फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के बाद यहां पहाड़ हो गए, है कि नहीं। अब इसका जो इकोसिस्टम होगा
ये अलग इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट का अलग इकोसिस्टम, पॉन्ड का अलग. तो इस पूरे लैंडस्केप में जो बायोडाइवर्सिटी का ग्रेडियंट है, यानी इन तीनों लैंडस्केप में जो वेरिएशन है बायोडाइवर्सिटी का, दैट इज कॉल्ड एज गामा डाइवर्सिटी. इट इज अ ओवरऑल डाइवर्सिटी ऑफ अ पर्टिकुलर लैंडस्केप. ठीक है, तो ये हो गया गामा डाइवर्सिटी और आज का समय यहीं समाप्त हो जाता है. अगली क्लास में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी स्पीसीज रिचनेस और बायोडाइवर्सिटी स्पीसीज इवेननेस के टर्म में हम कैसे मापते हैं. और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या क्या रोल प्ले करती है, कौन कौन सी ऐसी सर्विस प्रोवाइड करती है कि इसके लॉस से मानव जाति पे भी खतरा है, बायोडाइवर्सिटी पे तो खतरा है ही. तो ये सारी चीज़ें अगली क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे ख़त्म करने की. उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी. बहुत ही लेमन लैंग्वेज में आपको बताने का प्रयास किया. चलिए मिलते हैं हम लोग.